हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एक्सटेंशन के बारे में जिसका नाम है डायबैक। अब पहले करता क्या है वो बता देता हूँ। जैसे आपने ये प्लान बनाया, सिलेक्ट करो और आपको सिर्फ क्लिक करना है कन्वर्ट 2D to 3D। जैसे आप देखेंगे ये आपका 2D प्लान 3D में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। पूरा डोर्स, विंडो, जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह आपने प्लेस किए हैं सभी आपके एकदम से आपके 3D में आ जाएंगे। और जैसे ही आप क्लिक करोगे दोबारा से तो वो वापस आपका 2D में चला जाएगा। तो ये चीज हम सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसे डाउनलोड कहां से कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप इसकी साइट पे जा सकते हैं, डायबैक साइट पे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने की परमिशन देगा, बट ट्रायल वर्जन, वो भी 16 घंटे के लिए। अगर आपको बाय करना है तो इसका प्राइस है 69 यूरो में आप इसे बाय कर सकते हो। और आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह जो देखनी है इजिली देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपने कैड प्लान को कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैड प्लान है, इसको डिलीट करता हूँ। तो ये मेरा कैड प्लान है जिस पे मैं वर्क करूंगा। आप कैड प्लान भी यूज कर सकते हैं, आप PDF भी यूज कर सकते हैं, आप कोई इमेज फाइल भी यूज कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी वॉल बनाना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आप बिना प्लान के भी क्रिएट कर सकते हैं। अब प्लान बनाने से क्या हुआ कि मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे मेरे को डोर लगाना है, विंडो लगाना है, कंपोनेंट प्लेस करना है उस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा काम है हमें वॉल को यहाँ पे क्रिएट करना है। वॉल क्रिएट कैसे करोगे? आप वॉल पे क्लिक करो, आपको कितने इंचेस थिकनेस की वॉल चाहिए वो आप यहाँ पे इंचेस डाल दो, जिस भी यूनिट में आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 9 इंचेस। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप देखोगे आपकी वॉल बननी स्टार्ट हो रही है। आपको ऐसे क्लिक करते चले जाना है और आपकी वॉल बननी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली आपको इस तरीके से ही चलना है वॉल बनाते हुए। मैं इस प्लान को टॉप व्यू से ले जाता हूँ ताकि आप बहुत इजी तरीके से वॉल को बना पाए और आप इसे पैरेलल प्रोजेक्शन कर दें। तो यहाँ पे इस तरीके से वॉल बनाएं, कहीं से आपको स्टॉप करना है या कंटिन्यू करना है आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी वॉल को यहाँ पे बना सकते हैं। आपको डोर और विंडो के लिए स्पेस नहीं छोड़ना। अगर आप यहां से ऐसे बना रहे हैं और आपको साइड को स्विच करना है तो टैब प्रेस करके सेंटर और आप साइड को स्विच कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो आपकी सारी 9 इंचेस की वॉल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हम क्रिएट करेंगे 4.5 इंचेस की। तो दोबारा वॉल पे क्लिक करें और यहाँ पे डाल दे 4.5, एंटर। तो 4.5 इंचेस की वॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी बननी। तो आप यहाँ से 4.5 इंचेस की वॉल को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपस में ही कनेक्ट होती हुई चली जाएगी, आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जैसे ही आपकी सारी वॉल बन जाए तो आपको क्या करना है, जैसे आपको डोर यहाँ पे लगाना है तो आपके पास यहाँ पे एक डोर का ऑप्शन है, डोर पे क्लिक करें। अब आपसे पूछेगा slab 1 and slab 2। slab 1 slab 2 का मतलब अगर आपको डोर डबल डोर बनाना है, मुझे सिंगल डोर बनाना है तो मैं स्लैब 2 हटा दूंगा। स्लैब 1 मैंने कर दिया 2 फीट 6 इंचेस, यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस है मान लो। अलाइनमेंट अभी के लिए मैं 0 रखता हूँ और हाइट में रखता हूँ 7 फीट। ओके पे क्लिक करो। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, जब वो पिंक कलर में नजर आएगा तब आपको क्लिक करना है, विदाउट पिंक कलर आपको क्लिक नहीं करना है। अब आप क्लिक करो तो आपका यहाँ पे लग जाएगा। अगर मैं विदाउट पिंक कलर क्लिक करूं तो वो लग ही नहीं पाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे भी मेरे को सेम लगाना है तो आपको यहाँ पे अच्छे से जाना है, क्लिक करो, आपका डोर यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे भी सेम साइज का आपको चाहिए, अगर आपको टैप प्रेस करोगे तो वो सेंटर या आपके एंड पॉइंट को अलाइन करेगा। अब आप क्लिक करो तो इस तरीके से आपका डोर यहाँ पे लग जाएगा। जहां पे आपको जिस भी साइज का डोर चाहिए आपको सिंपली वहां पे जाके क्लिक कर देना है। बाकी मेरे को 3 फीट के डोर चाहिए, दोबारा डोर पे क्लिक करो, यहाँ पे आप डाल दो 3 फीट, ओके करो और वापस यहाँ पे आओ और यहाँ पे डोर लगा सकते हो इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप डोर लगाओ। अब थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा 3D में करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा प्लान है उसको मैं राइट क्लिक करके 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और इस सभी को सिलेक्ट करके मुझे ग्रुप करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप ग्रुप करोगे, आप ग्रुप को सिलेक्ट करो। अब ये 2D है, जैसे मैं कन्वर्ट इट टू 3D कर दूंगा तो ये सारी वॉल आपकी 3D में आ जाएंगी और सारे डोर भी आपके यहाँ पे 3D में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 2D पे क्लिक करो दोबारा 2D पे आ जाओ। अब मान लो मैं उसको अनहाइड करता हूँ, अनहाइड ऑल,
अब जहां पे मेरे को विंडो लगानी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विंडो लगानी है, अब विंडो लगाने के लिए आपको डबल क्लिक करना है, पहले ग्रुप के अंदर जाना है। अब मैं यहाँ से टॉप व्यू पे चला जाता हूँ, और टॉप व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ विंडो, साइज रखता हूँ 2 फीट बाई 2 फीट, और यहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसे क्लिक कर देना है, आपकी विंडो लग गई। आपको 4 फीट की विंडो चाहिए, आप साइज यहाँ पे 4 फीट कर दो लेंथ, और हाइट भी 4 फीट मान लो मैंने यहाँ पे कर दी। ओके करो, यहाँ पे आप आओ तो आप देखो क्लिक कर दो, आपकी यहाँ पे विंडो लग चुकी है। दोबारा मैं विंडो लूंगा, अब मैं लूंगा 6 फीट की विंडो, ओके करो। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्लिक करो, आपकी एक विंडो यहाँ पे लग चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक गैप है, बेसिकली ये आपको गैप लेना है। कहीं पे भी आपकी एक्स्ट्रा वॉल हो जाए और आपको गैप लेना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सटेंड वॉल, आप क्लिक करो। इस वॉल को आप यहाँ से क्लिक करो, जैसे आप सिलेक्ट करोगे कहीं से भी, आपको बेसिकली पिंक कलर नजर आना चाहिए, वहां से आप अपनी वॉल को एक्सटेंड करके वहां पे लेके जा सकते हो। अब मान लो मेरे को दोबारा यहाँ पे वॉल चाहिए, तो या तो आप इस वॉल का यूज कर सकते हो, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कैप्चर डायबैक, इस पे आप क्लिक करो। बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी थिकनेस की वॉल पे क्लिक करो, वो पिक करेगा। अब आप कहीं से भी बनाना स्टार्ट करोगे, उसी थिकनेस की वॉल बनाना वो स्टार्ट कर देगा, कहीं से भी किसी भी साइज की चाहिए, जैसे ऐसे घुमानी है आप इसे बना सकते हो, और डिलीट करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक्सटेंड वॉल, आप इसके क्लिक करो, आपका पिंक कलर वहां पे नजर आना चाहिए कि मेरे को यहां तक चाहिए, यहां से आप इसको सिलेक्ट करें और यहां से पीछे तक ले आए तो आपका वॉल वहां से हट जाएगी कुछ इस तरीके से, और पीछे करनी है सिलेक्ट करके आप इसे यहां तक कंटिन्यू कर सकते हो। वॉल में और क्या क्या चीजें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो, एक ऑप्शन है यहाँ पे पैरेलल वॉल, अगर आप क्लिक करते हो तो आपको किसी भी वॉल के पैरेलल एक वॉल चाहिए तो आप क्लिक करो, तो उससे आप ऑफसेट ले सकते हो कि मेरे को यहाँ पे एक वॉल चाहिए कुछ इस तरीके से, इस वॉल के पैरेलल एक वॉल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी। आप अंडू भी कर सकते हो हटाने के लिए, और आप उसे इरेज भी कर सकते हो अगर आपको हटाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे ना एक अलमारी बनानी है, अलमारी का डिजाइन चाहिए, तो उसके लिए मान लो मैंने यहाँ पे एक मान लो वॉल मैं ऐसे लेता हूँ, अब कैप्चर डायबैक किया और मैंने इसको कैप्चर किया, और यहां से मान लो मैंने एक कैप्चर करके यहाँ पे बनाया, तो इतने पोर्शन पे अलमारी चाहिए और यहाँ पे मेरे को अलमारी का गेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक इसका पैरेलल पार्टीशन आ जाए, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी मेरे को एक चाहिए, शाफ्ट चाहिए या जो भी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो पैरेलल वॉल पे, और आप क्लिक करके ऐसे पैरेलल वॉल क्रिएट कर सकते हो। ये चीज अगर मैं आपको बाहर निकल के समझाऊं अच्छे से, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी आप नॉर्मल वॉल क्रिएट करोगे 9 इंचेस की। फॉर एग्जाम्पल ये मैं नॉर्मल वॉल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, मान लो क्रिएट किया, तो आप पैरेलल वॉल से किसी भी वॉल का ऑफसेट ले सकते हो कुछ इस तरीके से, कि आपको यहाँ पे इस तरीके का ऑफसेट चाहिए, इस वॉल का ऑफसेट यहाँ तक आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड वॉल करोगे तो किसी भी वॉल को हटा सकते हो वहां से, कि मेरे को ये वॉल इतनी चाहिए, ये वॉल मैंने यहाँ से ऐसे पिक करी, और उसके बाद ये वॉल मान लो मैंने सिलेक्ट करी और ये यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया तो इसके सामने आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से काम करते हैं, डोर कैसे काम करते हैं, विंडो कैसे काम करते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं आगे चीजों की। अब जैसे कंपोनेंट मुझे प्लेस करने हैं, कंपोनेंट प्लेस करने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पे चूज ज्वेलरी, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास डायबैक के इतने सारे कंपोनेंट मिलेंगे इस पाथ पे, बाय डिफॉल्ट इस पाथ पे आपको काफी सारे कंपोनेंट मिलेंगे। अगर आपको कंपोनेंट नहीं भी मिलते हैं तो डोंट वरी, आप विंडो पे जाओ, 3D वेयरहाउस पे जाओ और यहाँ पे प्रेस कर दो डायबैक, डायबैक के यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने कंपोनेंट को डाउनलोड करो और नो पे क्लिक करो, ताकि आप एक लाइब्रेरी में सेव कर पाए बाहर, तो वही लाइब्रेरी डायरेक्टली आपकी ओपन हो जाएगी जहां पे भी आपका ये कंपोनेंट सेव है, और वहां पे ये कंपोनेंट सेव करो और वहां से आप इन कंपोनेंट को पिक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहां से मैंने चूज किया तो यहां से आप कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला डोर चाहिए, डायबैक डोर चाहिए, या मेरे को इस तरीके का चाहिए, तो ओपन करो। कितने का स्लैब चाहिए, मतलब इसकी विड्थ कितनी चाहिए, मान लो मैंने बोल दिया 5 फीट चाहिए और हाइट मेरे को चाहिए यहाँ पे 7 फीट, ओके पे क्लिक करो। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपका ये पिंक कलर में नजर आना चाहिए, बट क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि आप ग्रुप से बाहर हो। डबल क्लिक करो, अब आप यहाँ पे क्लिक करो, अब आप चूज करो, ओपन करो, साइज रखो, और यहाँ पे आओगे तो आप देखो पिंक कलर में नजर आ रहा है, क्लिक करो तो वो यहाँ पे इस तरीके से डोर लग गया।
अगर आप दोबारा क्लिक करोगे यहाँ पे और भी ले सकते हो, विंडोज वगैरह यहां से भी पिक कर सकते हो, और यहां से अगर आप पिक करते हो कंपोनेंट को तो ये कोई भी कंपोनेंट, जैसे मेरे को टॉयलेट सीट चाहिए, ओपन करो, आपको यहाँ पे जाना है और आपको क्लिक कर देना है, बाद में आप इसे रोटेट कर सकते हो, आप इसे सिलेक्ट करो, रोटेट 90 डिग्री, मूव करो यहां से पिक करके, जैसे यहाँ पे पिक किया, उसके बाद जैसे यहाँ पे भी प्लेस करना है सिलेक्ट करो, मान लो ये वाला मैं यहाँ पे लेता हूँ, उसको पहले आप क्लिक करें और उसके बाद आप इसे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, उसके बाद आप इसे मूव कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। डाइनिंग टेबल चाहिए तो आप यहाँ से डाइनिंग टेबल लें, ओपन करें, यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाता है। आपको बेड चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी बेड ले सकते हो, ओपन करें यहाँ से, तो यहाँ पे बेड प्लेस किया, बेड को आप सिलेक्ट करें और रोटेट कर सकते हैं, जो भी पोजीशन में आपको चाहिए आप रोटेट करें उसको, फिर आप मूव कर सकते हैं यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और फिर आप इसी बेड को कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, और आप फिर इसे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे बेसिकली, फिर आप इसे यहाँ पे मूव करें कुछ इस तरीके से। अब डोर विंडो आपके सारे लग चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल सोफा रखना है, आप यहाँ से सोफा पिक कर सकते हैं, पूरा सोफा सेट चाहिए आप पूरे सोफा सेट ले सकते हैं, यहाँ पे आए, इवन आप किसी भी आइटम को अपने तरीके से स्केल भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल ये आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, आपको स्केल करना है तो आप यहाँ से स्केल कमांड यूज करें, और आप अपने सोफे को स्केल भी कर सकते हैं कि थोड़ा मेरे को इतना बड़ा सोफा चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली स्केल भी हो जाएगा। आप क्लिक करें यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरीके का आइटम चाहिए, बाकी सारी चीजें भी मैं आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे समझने में, ठीक है। तो इस तरीके का मेरा यहाँ पे कुछ आया जो कंप्यूटर टेबल है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे स्केल, स्केल करने के बाद करता हूँ रोटेट यहाँ पे 90 डिग्री पे, मूव करता हूँ यहाँ से पिक करके यहाँ पे, उसके बाद इस पे क्लिक करो, उसके बाद गाड़ी रखनी है, गाड़ी आप प्लेस कर दो। तो ये क्या हो रहा है ना, ये आपको अभी 2D में नजर आ रहा है, जैसे ही मैं उसको कन्वर्ट टू 3D करूंगा वो डायरेक्टली आपका 3D में नजर आ जाएगा, बेसिकली ये चीज हो रही है। आप इसे सिलेक्ट करें, स्केल करें कुछ इस तरीके से, मूव कर सकते हैं आप यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे इस तरीके से चाहिए, तो यहाँ से आप सारी चीजें प्लेस कर सकते हो, कितनी भी चीजें यहाँ पे आपको डेकोर आइटम कोई चाहिए वो प्लेस कर सकते हो, इवन विंडो वगैरह जैसी भी आपको चाहिए प्लेस कर सकते हो। ये है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो इसको मान लो मैंने सिलेक्ट किया और रोटेट किया 90 डिग्री पे, और फिर इसको मूव करता हूँ यहाँ से पिक करके यहाँ पे। चलो काफी हो गया, अब बाहर निकलते हैं। अब मैं अपने जो आपका व्यू था इसको मैं सिलेक्ट करके मैं इसको हाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक और हाइड, तो आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, ये मेरा ग्रुप है बेसिकली, अब कन्वर्ट टू 3D करो तो सारी चीजें आपकी 3D में कन्वर्ट हो जाएंगी एट ए सिंगल क्लिक। आप अपनी सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, हर एक चीज आपकी 3D में कन्वर्ट हो चुकी है कुछ इस तरीके से, जितने भी आपने डोर लगाए थे, जितने भी विंडो लगाए थे, हर एक चीज आपकी यहाँ पे 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं स्टेयर की, अगर आपको कहीं पे कोई भी स्टेयर लगानी है तो यहाँ पे स्टेयर पे क्लिक करो, तो आपके पास यहाँ पे स्टेयर के लिए पूछेगा विड्थ कितनी चाहिए, वो मैंने डाला अराउंड 3 फिट, हाइट कितनी चाहिए, टोटल हाइट मैंने डाला यहाँ पे 12 फिट, उसके बाद गोइंग, गोइंग मतलब आपको ट्रेड की डेप्थ कितनी चाहिए, ये है इंचीज में, मैंने डाला 10 इंचीज, राइजर की हाइट 7 इंचीज चाहिए, एंड स्लोप मैंने अभी 0 का किया, ओके करो। मान लो मेरे को यहां से स्टेयर चढ़ानी है तो आप किसी भी शेप में स्टेयर चढ़ाओ और लास्ट में डबल क्लिक कर सकते हो, तो आपका इस तरीके से स्टेयर बन जाएगी। अब अगर आप स्टेयर पे क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू 3D करोगे तो आप देखोगे आपकी स्टेयर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। आपको और भी तरीके की स्टेयर चाहिए, आप अपनी मर्जी से स्टेयर का यहाँ पे डायमेंशन डाल सकते हो कि विड्थ कितनी चाहिए, गोइंग जो साइज है वो 10 फीट 10 इंचज को मैंने 12 इंचज किया मान लो, राइजर हाइट को मान लो 8 इंचज किया है यहाँ पे। अब अगर मैं ओके करता हूँ और यहाँ से अब स्टेयर बनानी स्टार्ट करता हूँ, तो आप कितनी भी टाइप की स्टेयर बना सकते हो यहाँ पे। जब लास्ट में आप क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट करके अब आप यहाँ पे कन्वर्ट टू 3D करो, तो आपकी उतनी ही स्टेयर उसी हिसाब से आपकी बन जाएंगी जितना आपने यहाँ पे डायमेंशन डाला है। तो एक सिंगल क्लिक में आपकी स्टेयर भी बन जाएंगी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये एक्सटेंशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी और एक्सटेंशन के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।